यूट्यूब में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम को दबाकर परमंडल की ताजा खबर पाएं सबसे पहले सबसे आगे। सत्य और अहिंसा के पुजारी और राष्ट्रपिता के नाम से विश्वविख्यात अमर शहीद महात्मा गांधी के 70वीं पुण्यतिथि मौके पर प्रमंडलीय सदर अस्पताल परिसर स्थित जय जवान ब्लड बैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में पलामू के कांग्रेसजनों ने रक्तदान कर बापू को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर पार्टी नेता व कार्यकर्ताओं ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। वहीं अपने संबोधन में कांग्रेस पार्टी के पलामू जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर शुक्ल ने कहा कि बापू के सपनों का भारत बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी सदैव आंदोलित रहेगी। बापू के बलिदान को कांग्रेसी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। शहीदी दिवस के मौके पर हुआ रक्तदान पलामू जिले के सभी जरूरतमंदों के नाम होगा। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का शहादत दिवस है, पुण्यतिथि है। आज पलामू जिला कांग्रेस कमेटी अपने प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार के निर्देश पर हम तमाम कांग्रेसी आज रक्तदान कर रहे हैं, ब्लड डोनेट कर रहे हैं और इस सोच के साथ कि ये तमाम जो ब्लड है उन गांव में रहने वाले गरीब जो आर्थिक स्थिति जिनकी ठीक नहीं है ज़रूरत पड़ने पर उनको यह ब्लड दिया जाएगा। और एक दूसरा संदेश कि जिस राष्ट्रपिता की अगुवाई में हम स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई लड़े और जिस तरह से उनकी हत्या हुई, उनकी शहादत हुई व जो उनका खून बहा इस देश के लिए, देश के विकास के लिए, देश की आज़ादी के लिए, हम तमाम कांग्रेस जन पलामू जिला कांग्रेस कमेटी इस रक्तदान करके यह संदेश देना चाहती है कि हम आदरणीय बापू महात्मा गांधी जी के पदचिन्ह पर चलकर, हम उनके नीति और सिद्धांत पर चलकर, हम उन्हें खून के रूप में, रक्तदान के रूप में हम श्रद्धांजलि अर्पित आज कर रहे हैं।